वही मध्य प्रदेश में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है और राज्य के इंदौर संसदीय क्षेत्र में पार्टी के उम्मीदवार अक्षय कांति बम ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। इस सीट पर अक्षय कांति बम और बीजेपी के उम्मीदवार शंकर लालवानी के बीच मुकाबला होना था, लेकिन सोमवार को अक्षय ने निर्वाचन कार्यालय पहुंचकर अपना नामांकन वापस ले लिया। इंदौर लोकसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी डॉक्टर अक्षय कांति बम नामांकन वापस लेकर चुनावी मैदान से बाहर हो गए हैं। इससे प्रदेश की सियासत में एक बार फिर हलचल मचा दी है। इसकी चर्चा इसलिए भी अधिक हो रही है क्योंकि इंदौर में 13 मई को मतदान होना था। ऐसे में मतदान से 15 दिन पहले प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के गृहनगर इंदौर में कांग्रेस के पास प्रत्याशी ही नहीं बचा है। अक्षय कांति के इस कदम पर स्थानीय कांग्रेस नेताओं ने निराशा व्यक्त की है और चुनाव बाम को टिकट देने के पार्टी आलाकमान के फैसले पर सवाल उठाए हैं। वही बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राज्य सरकार के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने एक्स पर लिखा, इंदौर से कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी अक्षय बम का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अध्यक्ष जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के नेतृत्व में बीजेपी में स्वागत है। बता दें कि पिछले विधानसभा चुनाव में इंदौर में कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो गया था। इंदौर में किसी सीट पर कांग्रेस की जीत नहीं मिली थी। इससे पहले सूरत सीट पर भी ऐसा ही कुछ हुआ था, जहां बीजेपी उम्मीदवार को निर्विरोध जीत मिल गई थी। कांग्रेस के सारे नेता और कार्यकर्ता, उनका विश्वास अब मोदी जी में है, भारतीय जनता पार्टी में है, विकास के कल्याण के लिए और अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए। कांग्रेस की हालत ये हो गई कि अब उम्मीदवार भी नहीं रहना चाहते। कुछ तो शर्मा शर्मी में बने हैं, लेकिन इंदौर के उम्मीदवार ने आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। अब ये कांग्रेस है कि जिसके उम्मीदवार का भी भरोसा अब कांग्रेस में नहीं है, मोदी जी में है, भारतीय जनता पार्टी में है, और इसलिए उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी, क्योंकि कांग्रेस देश को विनाश की तरफ ले जा रही है। और कांग्रेस के उम्मीदवार भी अब पार्टी छोड़ रहे हैं, भाजपा में आ रहे हैं। कांग्रेस के देश के अंदर, प्रदेश के अंदर इतने पत्थर हालत है, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के घर में जो बहुत ज्ञान बांटने का काम करते हैं, उनका कांग्रेस का प्रत्याशी ही अपना नामांकन वापस ले लेता है। ये कांग्रेस के प्रकार के हालात देश के अंदर, प्रदेश के अंदर बने हैं। और मैंने जो सुना है कि उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज विश्वास व्यक्त करता हूँ, ये कांग्रेस के हालात है। मध्य प्रदेश के अंदर 29-29 सीट है और देश के अंदर अब की बात 400 पार का नारा पूरा होगा। मोदी जी के नेतृत्व में देश तैयार है।